ना सुनना, तो जो शासन से तुमको मिट्टी तेल जिस घर में रह रहे हो, जो चावल है, वो सब बंद हो जाएगा। वो तो हम लोग कम्युनिस्ट सरकार के है ना, उसको मैं बंद करवाऊंगी। तो कर दो, नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानन आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं वो वही महिला है जो पिछले बार हमने जो वीडियो बनाया था कि महिला ने पास्टर के ऊपर हाथ उठाया। अब महिला जो है ये है मट्टी तेल और राशन का धमकी दे रही है कि सरकार से बंद करवा दूंगी, और इस प्रकार से पता नहीं वो कोई नेता है कि क्या है, आज तक के तो पता चला ही नहीं, और ऐसा वो कर भी नहीं सकती। तो इसी वीडियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात, मज़ेदार वाली बात मतलब कहना चाहूँगा कि महिला, ये जो महिला है ये महिला 2021 की साउल है। अगर देखा जाए तो ये 2021 की साउल है। जिस प्रकार से मसीही लोगों को साउल ने किस प्रकार से सताया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना साक्षात दर्शन दे करके उसको प्रेरित बना दिया और उसे अपने शरण में ले लिया और इस प्रकार से वो एक पौलुस बन गया, तो इसी प्रकार से ये महिला भी इस प्रकार से काम कर रही है साउल के जैसे ही। मैं दूसरे का तो नहीं बता सकता, लेकिन ये महिला का खाना और पानी नहीं पच रहा है क्योंकि ये मसीही लोगों के पीछे हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो करके पीछे पड़ गई है, मसीह लोगों के पीछे। यही महिला जो थी ये क्या करी, पास्टर को थप्पड़ मारी और उसके बाद आओगे तो हाथ पैर काट दूंगी, तोड़ दूंगी बोली। अब ये दूसरे जगह भी जा रही है, मतलब अपने एरिया में तो की अब दूसरे जगह भी जा रही है, और ये मतलब ये कह रही है, उन लोगों को कह रही है, मसीह लोगों को कह रही है जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारा राशन पानी बंद करवा दूंगी शासन के द्वारा। तो कुछ लोगों ने कहा कि करवा दीजिए, कोई बात नहीं, अगर करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। तो वो और भड़क गई, मतलब ये धमकियाँ दे रही हैं, डरा रही हैं ताकि ये लोग छोड़ देंगे, कम से कम मसीहत को छोड़ देंगे अगर मैं खाना पीना नहीं दूंगी, या और ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही वो करवा सकती है। और जो बहुत परेशान हैं इस वीडियो को लेकर के या उस वीडियो में वहाँ पे लोग जो जितने लोग खड़े थे उन सब से भी मेरा निवेदन है कि आप बेफिजूल का डरिए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करा सकती और ना ही कर सकती है, परमेश्वर हमारे साथ है ना। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, हमें पता चलेगा और इस वीडियो से बहुत सारी बातें हमें सीखने मिलेंगी। और आज मैं आपको एक हथियार बताऊँगा जो आप अपने साथ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम तो सरनेम को नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम अगर सरनेम बदलोगे ना सुनना, तो जो शासन से तुमको मिट्टी तेल जिस घर में रह रहे हो, जो चावल है, वो सब बंद हो जाएगा। वो तो हम लोग कम्युनिस्ट सरकार के है ना, उसको मैं बंद करवाऊंगी। तो मरना ही तो है ऐसे, मरना ना तुम्हारा मर गया, नीचे दबा है, भगवान ऊपर रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही है, बोलेगा कि नीचे। यीशु तुम्हारा मर चुका है, जिंदा नहीं तुम्हारा यीशु, चला गया, चला गया। भागो, कल मैं नहीं थी, काट के भेजती उसको, काट के, मैं नहीं थी, मैं रहती ना, काट के भेजती सबको, समझ में आया? साले बेशरम हो, हिंदू हो के क्रिश्चियन बन रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, समय है, वापस आओ। तुम्हारा कभी भी उन लोग भला नहीं करेंगे, जिस समाज में थे उसी समाज में वापस आ जाओ। दोस्तों ये वीडियो को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये महिला कितनी पढ़ी लिखी है हम नहीं बता सकते, ठीक है, हम ये भी बात नहीं बता सकते हैं कि कितनी पढ़ी लिखी है, और ये महिला जो है मतलब इसे कितना ज्ञान है, ना धार्मिक ज्ञान है ना, ना सांसारिक ज्ञान है, क्योंकि अगर इसे ज्ञान होता है ना, ईश्वरीय ज्ञान होता, तो ये कभी भी यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं बोलती, और कानून का भी जानकारी होता तो ये कभी भी यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं बोलती। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि कोई भी किसी का राशन पानी बंद नहीं कर सकता और ना ही किसी को अपने
मतलब सता सकता है, ना ही अपने जाल में फंसा सकता है और ना ही आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि सबका कानून है। और ना ही आपके धर्म के बारे में बुरा भला बोल सकता है, ना ही आपके भगवानों को बुरा भला बोल सकता है, चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे वो कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के क्यों ना हो। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एक सेक्शन बताता हूँ यहाँ पर, है ना। आपको डरना नहीं है, इन लोग सताते हैं, सताने दो। लेकिन हमें मसीह कभी भी नहीं बोला है कि, उसने कहा है कि अपराधियों को क्षमा करो और हम प्रभु पर छोड़ते हैं। अगर हम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें या इनके ऊपर केस लगाना शुरू कर दें तो इतना केस चढ़ेगा कि पता नहीं ये रिहा हो पाएंगे कि नहीं, है ना। तो मैं एक आईपीसी का धारा बता रहा हूँ, जिस प्रकार से इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को मतलब बुरे शब्दों का प्रयोग करके अपमानजनक बातें कही हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, तो इसके ऊपर आईपीसी का धारा 295A लागू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा में लिखा हुआ है, धारा यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, यानी कि चोट पहुंचाते हैं करने या विद्वेषपूर्ण आशय से, मतलब यानी कि उसको बुरी बुरी बातें बोलते हैं, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हैं, बोल करके अपमान करते हैं या लिख करके अपमान करते हैं या अन्य किसी माध्यम से करेंगे या करने का प्रयास करते हैं, तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा, अथवा दोनों सजा होगी, जुर्माना और कारावास। हाँ, किसी भी धार्मिक भगवानों का या उसके विश्वासों को चोट पहुंचाना या उसके उसके बारे में बुरा व्यवहार, बुरा बुरी बुरी बातें बोलना या दोष लगाना, ये उसको भयानक बात पड़ सकता है। अगर कोई मसीही भाई बहन चाहे तो केस कर सकता है उनके ऊपर, लेकिन सारे मसीही भाई बहन जो हैं प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करते हैं और वो चाहते हैं कि वे बच जाए वो महिला, और लगाना ही होता उसके ऊपर धाराएं, तो ना जाने 10 धाराएं लग जाती, बहुत सारी बातें हैं उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लग जाती और लगाना ही होता तो अभी तक वो बाहर नहीं घूमते रहती, है ना। हम सब मसीही भाई बहन ने उनको उसको क्षमा किया है और उसके लिए प्रार्थना करने का हमने वादा किया है या बात किया हुआ है। जिस प्रकार से शाऊल सताता था और प्रभु में आ गया, उसी प्रकार से ये महिला भी सताती है और प्रभु में आ जाए, इसका सबसे बड़ा सजा यही रहेगा कि ये क्रिश्चियन बन जाए। प्रभु, हम सब मिल करके यही प्रार्थना करें कि ये महिला, ये स्त्री जो है, ये क्रिश्चियन बन जाए और यही खुद गवाही दे और तेरे राज्य में शामिल हो जाए। सभी मिल करके प्रार्थना करें, सबसे बड़ी सजा यही होनी चाहिए इसकी कि ये प्रभु को ग्रहण कर ले, इसका मन परिवर्तन हो जाए और सभी लोग इसके लिए प्रार्थना करें, इसको कोई भी सजा ना हो और इसको प्रभु संभाले रखें, इसके पूरे परिवार को स्वस्थ चंगा भला रखें और इसका पूरा परिवार जो है प्रभु को ग्रहण कर ले, यही इसकी सजा है। और इसी प्रकार से मैं आपके पास नए नए वीडियो लाते रहूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।